सेल कंपनियों में निवेश और खनन पट्टा का विवाद अब देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बचाने के लिए झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई होने की संभावना है। गुरुवार को मामले की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में होनी थी, लेकिन राज्य सरकार के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का आधार बनाते हुए अदालत से अगली तिथि मांग ली है। हाई कोर्ट में अब मामले सुनवाई मंगलवार को होगी। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने पिछली सुनवाई में झारखंड हाई कोर्ट में एक सीलबंद रिपोर्ट सौंपी थी। राज्य सरकार की ओर से यह रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन अदालत ने इनकार कर दिया है। इसे ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। गौरतलब है कि आईएएस पूजा सिंघल के मामले की जांच कर रहे ईडी को पूछताछ में जो जानकारी मिली है, उससे राज्य के शीर्ष नेतृत्व पर उंगली उठ रही है। मालूम हो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अपने नाम से खनन पट्टा लेने का आरोप है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस मामले को उजागर किया था। उधर मामला उजागर होने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता शिव शंकर शर्मा ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही थी कि ईडी ने छापेमारी कर खान विभाग की सचिव पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया। पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार सिंह के पास से करोड़ रुपए नकद बरामद हुए। वही सूत्रों से पता चला है कि पूछताछ के क्रम में सुमन कुमार सिंह ने खुलासा किया है कि रुपए पूजा सिंघल के हैं। यह बताया गया है कि बड़ी संख्या में सेल कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का खेल चल रहा था। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।